फ्रेंड्स, पहाड़ हमें हमेशा ही बहुत आकर्षित करते हैं, पर जैसे जैसे तापमान का पारा बढ़ता जाता है ये और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। और जब बात हो हिल स्टेशंस की तो सबसे पहले ख्याल आता है पहाड़ों की रानी मसूरी का, और ये है मसूरी की खूबसूरत सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 9:30 बजे हैं और मसूरी की ठंडी ठंडी हवा से बचते हुए हम यहाँ पर धूप को ढूंढते हुए आ गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे ये टेरेस मुझे दिख रहा है, इवन ये पूरा पार्किंग प्लेस बनाया हुआ है। सेम हम अभी इसी लोकेशन पर हैं, लाइब्रेरी चौक वाली लोकेशन पे, और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं आसपास। तो हम चाह रहे हैं कि अगर आप मसूरी आते हैं तो आपके पास भी एक दो ऑप्शंस होने चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे कुछ और एक ये होटल दिखा है, अंबिका पैलेस नाम है इसका, और देखते हैं इसके रूम्स किस तरह के हैं, क्या टैरिफ है यहाँ पर, ताकि आपके पास अगर ऑप्शंस होंगे तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं रूम्स में यहाँ पर क्या है। होटल में जो आपको विजिट कराने वाले हैं, सबसे पहले हम गेस्ट से मिले हैं, यहाँ पर पंकज जी आए हैं। पंकज जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। पंकज जी, आप यहाँ पर आपने स्टे किया है, कैसा लगा आपको? यहाँ पर बहुत सुंदर लगा है, और यहाँ सेकंड बार आए हैं, फर्स्ट बार और आए थे, और 6 महीने में मंसूरी आते रहते हैं। अच्छा। अच्छी जगह है घूमने ला के, और अभी तो मैं फैमिली के साथ आया था, इसलिए आज अभी मैं दोस्तों के साथ आया। आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से, दतिया जिला। अच्छा। दतिया पड़ता है, माँ पीतम रामाई का मंदिर है जो। अच्छा। अपने हिंदुस्तान में दो ही मंदिर है, धुआंवती माई का एक अपने यहाँ है, एक मंदिर अपने साउथ में। साउथ में। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड ट्रिप था, आपको अच्छा लगा? तो पहले भी आए थे आप, तो यही इसी होटल में? नहीं नहीं, पहले आए थे तो पहले अपन मारवाड़ में रुके। मारवाड़ रुके जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। और अभी हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के रूम्स हैं यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ये इनकी फर्स्ट कैटेगरी रूम, जो बनाने का इनका तरीका है जैसे बड़े होटल्स में होता है, एज इट इज वैसे ही बनाया हुआ है। पहले इन्होंने कबर्ड दिया हुआ है, देन लगेज रैक दिया हुआ है, यहाँ पर मिरर है, ये खाली है, बहुत सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है। सिटिंग एरिया है, बेड इन्होंने दो लोगों के लिए दिया हुआ है, बट आई एम श्योर यहाँ पर जगह है तो थर्ड पर्सन के लिए भी यहाँ पर मैट्रेस प्रोवाइड हो जाएगा। काफी स्पेशियस रूम है, और यहाँ से अगर हम व्यू देखते हैं तो वाओ, व्यू अच्छा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत सारे ग्रीनरी हमें दिख रही है, विंडो यहाँ से खुल जाता है। सर्दियों में यहाँ पर बैठकर आप आराम से धूप में बैठकर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिटिंग इन्होंने प्रॉपर दी हुई है, काफी कंफर्टेबल सिटिंग है। और इस रूम का टैरिफ इन्होंने हमें अभी ऑफ सीजन में 2500 के अराउंड बताया है फॉर टू पीपल, बट ये जब ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है, सीजन हाई पीक सीजन पे होता है, तो ये बढ़ जाता है रेट। इसमें और भी कैटेगरीज है, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम इसका वॉशरूम दिखाएंगे आपको। बाहर जितनी ज्यादा ग्रीनरी है, होटल के अंदर हमें थोड़ा सा उसकी कमी दिखाई दी है। जैसे यहाँ पर भी काफी बड़ा एरिया है, बहुत कमी इनकी गैलरी है, बट यहाँ पर कुछ भी इन्होंने प्लांटेशन वगैरह नहीं की हुई है, वो थोड़ा सा अगर और हो जाएगा तो अच्छा लगता है। ये इनकी दूसरी कैटेगरी है, देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली 4 बेड है, तो दिस इज गुड फॉर फैमिली। आराम से यहाँ पर 4 adults 2 kids अगर हैं तो आप अकोमोडेट कर सकते हैं। बहुत स्पेस है यहाँ पर, टीवी दिया हुआ है, और बहुत अच्छी चीज़ जो है, जनरली जो हम देखते हैं फैमिली रूम्स में, वॉशरूम इन्होंने 2 दिए हुए हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और सिटिंग एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाइट ग्लास से देखिए आपको व्यू बहुत सुंदर मिल रहा है यहाँ पर।
सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरचरण सिद्धू। अच्छा सिद्धू जी, यहाँ पर पिछले 20 सालों से आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं सर। तो सर, यहाँ इस होटल में ही रुकते हैं आप हमेशा? मैं ज्यादातर अपने बच्चों के साथ, तो मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे यहाँ पर जी, तो मैं यहीं पर रुकता था। अच्छा, तो क्या खास बात है इस होटल में? इस होटल में एक तो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, रहने को तो मॉल रोड पे भी यहाँ रह सकते हो, पर यहाँ प्रकृति के नज़ारे कुछ अलग होते हैं। जी जी जी। जैसे मॉल रोड जाना तो यहाँ से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर है, यहाँ रहते हुए भी जा सकते हैं, रहते हुए भी जा सकते हैं, तो पैदल पैदल ही चल जाओ। तो यहाँ पर जो सुबह चिड़ियों की और प्रकृति की देख रहे हो आप, कैसे नजारे हैं। हाँ जी, और भीड़ भाड़ भी रहना तो फिर तो चांदनी चौक जाकर रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ कम थोड़ी है, शांति बहुत है यहाँ पे। मैंने देखा है यहाँ पे इवन मॉल रोड पे भी थोड़ा सा ज्यादा नॉइज रहती है, लेकिन इस वाले एरिया में, ये जो लाइब्रेरी चौक वाला एरिया है, यहाँ पे मुझे बहुत शांति मिली है, सुकून से है। और यहाँ होटल का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, हम तो, मेरे को तो 20 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। अच्छा, 20 साल से आ रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के जो ओनर है बहुत बढ़िया है। कल मेरे असल में थोड़ी सी दांत में दर्द हो गया था, तो रात को 12-1 बजे इन्होंने मेरे को ये जो है इन्होंने दवाई लिख के दी और मंगवाई दवाई और मेरे को दी। हॉस्पिटैलिटी में ना ये बहुत जरूरी चीज होती है, और यही चीज होती है जो गेस्ट को कनेक्ट करती है। और खुद इनके जो ओनर है वो आए मेरे को देखने के लिए, कोई दिक्कत है नहीं तो उनको आने की जरूरत क्या थी, कोई मेरे का उनको रिश्तेदारी तो है नहीं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है और ये होना चाहिए हर होटल में होना चाहिए। और अब फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं इस होटल का सबसे बेस कैटेगरी रूम। बेस कैटेगरी रूम होते हुए भी मुझे जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब दिख रही हैं। कबर्ड एरिया दिया हुआ है, लगेज के लिए रैक दी हुई है, मिरर दिया हुआ है बहुत बड़ा, वॉशरूम नीट एंड क्लीन जैसा जो बहुत ज़रूरी होता है उस तरह से दिया हुआ है। एमिनिटीज़ की कमी मुझे यहाँ लगी है इसमें। टीवी है, बेडिंग बहुत नॉर्मल है, पर देखिए व्यू बहुत बहुत ही सुंदर व्यू है यहां से भी, क्योंकि मसूरी जैसी जगह पर अगर हम आते हैं तो मेन व्यू के लिए ही आते हैं। और बेस कैटेगरी रूम है ये इसका, जहां से व्यू आपको इतना अच्छा मिल रहा है। और इसका टैरिफ अभी ऑफ सीजन में इन्होंने 1200 रुपीज रखा हुआ है। सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है तो रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन उसके हिसाब से भी मुझे ये रूम अच्छा लगा। काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री है इनके पास, 46-47 रूम्स इनके पास हैं, जिसमें बेस कैटेगरी के काफ़ी रूम्स हैं। कुछ आपको ये मसूरी साइड दिखते हैं, कुछ आपको धनौल्टी का व्यू दिखाते हैं, तो एक दो रूम का मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अगर हम इसके ऑपोजिट साइड में आते हैं तो यहाँ से हमें धनौल्टी का व्यू मिलता है। और यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें ओपन बालकनी भी है, तो बालकनी से हमें पूरा यहाँ से माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस विज़िट में हमने एक्सप्लोर किया है अभी लाइब्रेरी चौक से के पास वाला एरिया, और यहीं पे हमने आपको ऑप्शंस दिखाए हैं होटल्स के। बहुत शांति है, और जैसा कि अभी हमें सर मिले थे और उन्होंने बताया कि वो पिछले 20 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा पर्सनली मानना है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें गेस्ट के साथ पर्सनल कनेक्ट भी होना ज़रूरी है। और हालांकि यहाँ पर मैंने देखा है कि मसूरी में लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोगों के प्रति जो उनके मन में जो प्यार है, जो भावना है, वो बहुत अच्छी है। और ये चीज़ बहुत यहाँ पर इसी यही चीज़ लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप आएँ और देखिए, एक और ऑप्शन हमने आपको दे दिया है यहाँ पर। इनके पास ये वाला जो लॉन है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत सुंदर। अभी यहाँ पर ये सिर्फ इन्होंने शुरू किया है, काफ़ी चीज़ें अभी प्लानिंग में चल रही हैं। यहाँ पर ये पूरा ओपन सिटिंग एरिया देने वाले हैं, जहाँ पर आप फिर आराम से बैठ कर यहाँ पर अपना फूड ले सकते हैं, और आराम से आप व्यू देखते हुए अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर सकते हैं।
तो जल्दी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट विजिट में जब आएंगे और यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ट्रैवल करते रहिए इसी तरह OT एक्सपर्ट के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।